नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी जी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का। अब कांग्रेस मुक्त तो भारत हुआ नहीं है, क्योंकि अभी भी राज्यों में सरकार है, सांसद है, विधायक हैं कांग्रेस के, लेकिन मुस्लिम मुक्त बीजेपी ये अब सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुस्लिम मुक्त बीजेपी, जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी एक बड़ा चेहरा, कहा जा रहा था कि मुख्तार अब्बास नकवी को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, लेकिन जगदीप धनखड़ को बीजेपी ने उपराष्ट्रपति बना दिया है। अब इस खबर के अंदर मैं आपसे तीन चार चीजों की चर्चा करूंगा। एक, मुख्तार अब्बास नकवी को क्यों नहीं बनाया गया? मुख्तार अब्बास नकवी को ना बनाया जाना और हमीद अंसारी का प्रकरण सामने आना, क्या इसके बीच में कोई क्रोनोलॉजी है? और दूसरी बात यह कि क्या बीजेपी वाकई अपने आप को मुस्लिम मुक्त कर रही है? इस पर तथ्यों के साथ में, आंकड़ों के साथ में आपको बताएंगे। और तीसरी बात, जगदीप धनखड़ को आखिरकार क्यों लाया गया? इन तीनों चारों बातों पर जो है बात करेंगे, और एक एक करके पूरे की पूरी खबर जो है वो आपके सामने परत दर परत रखेंगे। आखिरी तक इस खबर को जरूर देखिएगा। पहले आप देखिए, बंगाल के गवर्नर, एनडीए के उम्मीदवार, एनडीए के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट जगदीप झुंझुनू के जगदीप धनखड़ को भाजपा ने बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। 11 साल कांग्रेस में रहे। अब देखिए मीडिया के अंदर कैसे हेडलाइन बनाई जाती है। राजस्थान के जाट नेता है जगदीप धनखड़, जाट नेता राजस्थान, कैसी चीजों को डाला जाता है। मत भूलिए कि राजस्थान में 2023 के अंदर जो है वो चुनाव है और जाटों की बड़ी तादाद है। उसके बाद में हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन का जो प्रभाव था, उस प्रभाव को खत्म करने के लिए भी आप समझिए कि यहां पर भी जाट चेहरे का वो इस्तेमाल, और इसीलिए जाट 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 जाट। पश्चिमी यूपी के अंदर आप ये देख लीजिए जिस तरह से किसान आंदोलन का प्रभाव था, उसको खत्म करने के लिए। तो ये आपको दिख रहा है किस तरह से मीडिया के अंदर चीजें चलती हैं। क्यों जो है वो खुद मोदी जी कहते हैं कि जात पात का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद फिर किस तरह से बताया जाता है कि हम जो है वो एक आदिवासी को उपराष्ट्रपति बना रहे, आदिवासी को राष्ट्रपति और जाट नेता को उपराष्ट्रपति बना रहे। तो किस तरह की चीजें जो है चलती हैं। अब देखिए मैं आपको सामने लेकर के आता हूं कि मुख्तार अब्बास नकवी, उनकी चर्चा चल रही थी। देखिए भास्कर ने भी छापा था, नकवी के कैंडिडेट बनाने की अटकलें थी इससे पहले। 6 जुलाई को केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मामलों के मुख्तार अब्बास नकवी ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। उनका राज्यसभा कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा था। इस्तीफे के बाद में नकवी को उप कैंडिडेट बनाए जाने की चर्चा थी। नकवी को भाजपा ने पिछले दिनों राज्यसभा के चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया था, और तब से कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी उन्हें बड़ी किसी भूमिका में लाना चाहती है। अब किस भूमिका में लाई, किस भूमिका में लाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपके सामने मुख्तार अब्बास नकवी के 2 ट्वीट रखता हूं, और इससे अंदाजा लगाइए मुख्तार अब्बास नकवी जो कितना खुश है और कितना खुश नहीं है। ये देखिए मुख्तार अब्बास नकवी का एक ट्वीट मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ये ट्वीट है 22 जून का, 22 जून का इनका ट्वीट है। और इसमें देखिए क्या लिखा है, शब्दों पर आप गौर कीजिए, और फिर उसके बाद में जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाए जाने के बाद में क्या ट्वीट किया वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं शब्दों पर आप जरूर गौर कीजिए। इन्होंने लिखा है, प्रतिभावान, परिश्रमी, प्रगतिशील, देखिए कैसे कैसे अलंकार लगाए जा रहे हैं, एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारत का तिरंगा लगा करके सलामी दे रहे हैं, हाथ जोड़ करके सलामी दे रहे हैं, और थम्स अप दिखा करके जो है वो समर्थन कर रहे हैं। नीचे पूरा उनका बायोडाटा जो है वो लगाया हुआ है, द्रौपदी मुर्मू का जो है पूरा बायोडाटा इसके साथ में, फोटो के साथ में मुख्तार अब्बास नकवी ने लगाया। अब क्या जगदीप धनखड़ के लिए, जिस पद के लिए खुद वो अपने आप को देख रहे होंगे या नहीं देख रहे होंगे, उनके समर्थक कम से कम जरूर देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले लोग जरूर देख रहे थे। अब मैं दिखाता हूं आपको कि उन्होंने जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनाए जाने पर क्या कहा है, देखिए जरा। श्री जगदीप धनखड़, केवल 2 लाइन का ट्वीट, श्री जगदीप धनखड़ को एनडीए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई, और एक फूल का गुलदस्ता केवल लगा दिया। अब ये मान सकते हैं कि जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी का फोटो, पूरा बायोडाटा, वो शायद बीजेपी की तरफ से बनकर के आया होगा। चलिए मान लिया कि उनके पास में ये बीजेपी का जो है वो बनाया हुआ या खुद का बनाया हुआ या उनकी टीम का बनाया हुआ वो द्रौपदी मुर्मू की तरह से जो है जगदीप धनखड़ की फोटो वोटो नहीं होगी, एक गूगल से डाउनलोड हो सकती थी फोटो, फोटो नहीं लगी है।
दूसरी वहां पर जो है वो तिरंगे का भी इस्तेमाल था, हाथों हाथ जोड़कर भी सलामी दी जा रही थी, थम्स अप करके भी समर्थन किया जा रहा था, यहां पर सब चीज नदारद है। तो मुख्तार अब्बास नकवी खुश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं, क्या है क्या नहीं है आप खुद अंदाजा लगाइए। मैं आपको एक ट्वीट और दिखाता हूं, फिर उसके बाद में मुख्तार अब्बास नकवी का एक ट्वीट और आपको दिखाऊंगा। अलका लांबा कांग्रेस की नेता, इन्होंने लिखा है, अंधभक्त प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसी को उपराष्ट्रपति बनाए जाने से इतने खुश नहीं है जितने मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्री पद से हटाने और उम्मीदवार न बनाने से खुश है। 75 सालों में पहली बार सत्ता मुस्लिम मुक्त हुई है, मुबारक, नकवी इज ट्रेंडिंग नाउ। नकवी ट्रेंड कर रहे हैं और यहां पर कांग्रेस कह रही है कि 75 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि देश की मौजूदा सत्ता वो मुस्लिम मुक्त हो गई है। अब इसके पीछे कितना सच है मैं आपको आंकड़ों के जरिए आपको बताऊंगा, लेकिन एक ट्वीट में आपको और दिखाता हूं मुख्तार अब्बास नकवी का। मुख्तार अब्बास नकवी का 11 जुलाई का भी 4-5 रोज पहले का ट्वीट आप देखिए। बेहताशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं मुल्क की मुसीबत है, इसे जाति धर्म से जोड़ना जायज नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी इस बात को कह रहे हैं। और इसी के नीचे देखिए आप सदाब चौहान ने क्या लिखा है, मोहतरम मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उपराष्ट्रपति बनने के लिए इतना अनुचित बयान देना सही नहीं है। अगर जनसंख्या समस्या होती तो चाइना आज बहुत पीछे होता। समस्या है भ्रष्टाचार, आपकी सरकार की दमनकारी नीतियां। तो तभी से जो है लोग कह रहे थे कि ऐसा बयान क्यों दे रहे हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने तो एक बयान दिया था, और मंच से कहा था, खुलेआम भाषण में कहा था अपने मंच से, उन्होंने कहा कि एक समुदाय विशेष के लोगों को सोचना चाहिए। तो जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो है इस तरह का इशारा दिया जाता है और आप उठ करके इस तरफ का इशारा देते हैं और फिर आपको लगता है कि पार्टी का कैडर आपको सपोर्ट करेगा। अब मैं आता हूं जरा मुख्तार अब्बास नकवी और हमीद अंसारी को लेकर के जो मैंने बात कही थी। कई राजनीति के जानकार लोग इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी का नाम जो इतना उछल गया था कि उनको तो बनाना ही बनाना है, अगर मुसलमानों को कोई जो है वो प्रतिनिधित्व मोदी सरकार ने नहीं दिया है तो एक बड़ा जो है गिफ्ट, एक बड़ा सरप्राइज वो मिल सकता है मुख्तार अब्बास नकवी के रूप में उपराष्ट्रपति बनाए जाने को लेकर के। लेकिन फिर उसके बाद में चर्चा ये हुई कि अगर उनको उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा तो फिर पार्टी के जो अंधभक्त टाइप का कैडर है, उसको कैसे संभाला जाएगा, वो कैसे डिफेंड करेंगे, और फिर कैसे जो है वो कहेंगे कि ये तो विधर्मी है, ये है वो है, वो कैसे चीजें चलेंगी। फिर उसके बाद में हमीद अंसारी का प्रकरण जो है वो निकाला जाता है। हमीद अंसारी का प्रकरण निकाल करके फिर ये दिखाया गया कि देखिए एक हमीद अंसारी साहब उपराष्ट्रपति थे और उनके उपराष्ट्रपति रहते हुए क्या हुआ, उनके उपराष्ट्रपति रहते हुए ये हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से एक जो है वो पत्रकार आए, वो जासूस आए, उन्होंने भारत की खुफिया जानकारी ISI को दी। तो ये सारी चीजें जो है वो आप ये बताइए कि क्या कोई क्रोनोलॉजी का हिस्सा है या सब कुछ जो है महज संयोग की बात थी, इसमें कोई प्रयोग नहीं था। दूसरी चीज यहां पर खत्म हो जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो मुस्लिमों की मौजूदा सत्ता से भागीदारी खत्म करने की जो बात है उसके पीछे क्या वाकई कुछ दम है या ऐसे ही हवा हवाई बात की जा रही है। मैं आपको भास्कर की खबर दिखा रहा हूं, आजादी के बाद पहली बार संसद में सत्ताधारी पार्टी का कोई मुस्लिम सदस्य नहीं बचा है। बीजेपी के पास इस समय लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर के 394 सांसद और देश भर में 1379 विधायक हैं, इनमें से एक भी मुस्लिम नहीं है। ध्यान से सुनिए, दोबारा सुन लीजिए, देश भर में राज्यसभा और लोकसभा के मिलाकर के 394 सांसद हैं और देश भर में 1379 विधायक हैं, इनमें से एक भी मुस्लिम नहीं है। सरकार में भागीदारी भी यही बताती है, पहली बार केंद्र सरकार और 16 राज्यों की सरकार में कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। यह भास्कर की रिपोर्ट है। अब मैं आपको राज्य के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं स्टेट वाइज। आप देखिए, इन राज्यों में बीजेपी से टिकट पाने वाले मुस्लिम विधानसभा उम्मीदवार 2019 से अब तक, असम, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 0, असम
उसके अंदर नो है, क्योंकि बड़ी संख्या जो है वो असम में मुस्लिम समुदाय की है। अब उसके बाद में बिहार, बिहार में बड़ी तादाद में मुस्लिम है, जीरो यहां पर। दिल्ली शून्य जीरो, गोवा शून्य जीरो, हरियाणा के अंदर तीन है, क्योंकि हरियाणा में भी कई सारे क्षेत्र ऐसे, कई इलाके ऐसे जिनमें मुस्लिम आबादी है, हरियाणा में तीन है, और संभवतः अगली बार जब अगर बीजेपी जाएगी तो शून्य हो वहां पर भी। झारखंड जीरो, केरल एक, महाराष्ट्र, ये उम्मीदवारों की बात बता रहा हूं, केरल में वैसे जीता जीरो ही थी, बीजेपी जीती नहीं थी, शून्य सीट ही थी। महाराष्ट्र शून्य, इतना बड़ा राज्य महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में शून्य। मणिपुर एक, उड़ीसा एक, पुडुचेरी एक, पंजाब जीरो, तमिलनाडु जीरो, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य शून्य, 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 ध्यान से सुन लीजिए आप। उसके बाद में उत्तराखंड शून्य, उसके बाद में पश्चिम बंगाल, बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल, बड़ी मुस्लिम तादाद में लोग रहते हैं, और वहां पर छह उम्मीदवार बनाए थे। तो यह है लेखा जोखा। अब आप बताइए और आप तय कीजिए कि बीजेपी क्या वाकई मुस्लिम मुक्त नहीं हो गई है? मुख्तार अब्बास नकवी को क्या दिया जाएगा, क्या नहीं दिया जाएगा, कितने नाराज हैं और उनको किस तरह से मनाया जाएगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो बात कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और फिर उसके साथ में उन्होंने जोड़ दिया सबका प्रयास, तो सब तो प्रयास करेंगे, सब प्रयास कर रहे तभी आपकी सरकारें बन रही होंगी, या आपको लग रहा है कि केवल और केवल जो है वो ईवीएम से ही आपकी सरकार बन जा रही है, उसमें कोई बटन दबाता होगा तब वोट जाता होगा तब आपकी सरकारें बनती होंगी। लेकिन यहां पर जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से मुस्लिम आबादी, जो देश की 20% आबादी है, उस आबादी का एक भी चेहरा शीर्ष नेतृत्व में ना होना सत्ता के, ये क्या दर्शाता है? मुख्तार अब्बास नकवी के नाम पर जो आखिरी उम्मीद बची हुई थी, जो कहा जा रहा था, उस उम्मीद को भी महज दो लाइनों के अंदर मुख्तार अब्बास नकवी को क्यों लिखना पड़ा, ये बहुत कुछ अपने आप में कहता है। तो बहरहाल खबर को समझिए, खबर के मायने को समझिए, खबर को आगे तक पहुंचाइए अगर आप समझ रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि महत्वपूर्ण जानकारी, सही जानकारी आपको मिल रही है तो लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि सही जानकारी इस वक्त में मिलना, सच की बात कहना, ये बड़ा कठिन दौर है और बड़ी मुश्किल बात है। तो बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को आगे तक जरूर पहुंचाइए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज एंड सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।